कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ जाकर तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो हर उस जगह जाकर खुशी होती है जहाँ आप मेरे साथ होते हैं। लेकिन माँ बाप का घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ बीवी शौहर के बगैर जाकर भी खुश होती है। हाँ होती होंगी, लेकिन मुझे वहां भी आपके साथ जाना अच्छा लगता है। बस यहाँ करीब से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा सलाम करते चले, तुम्हारा मूड भी और अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरा मूड खराब तो नहीं था। ओके, फिर नहीं जाते? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। चलते हैं, मैं मामा से भी मिल लूंगी। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, डेट पे जा रहा हूँ। अरे मजाक कर रहे हो यार, दोस्तों के साथ जरा डिनर पे जाने का प्रोग्राम है। आप देर से आएंगे, इसका मतलब है कि तुम मुझे मिस करोगी। इतनी देर से नहीं आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, आराम से जाइए। बाय। हेलो हेलो किन्जी, आयशा बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। किन्जी, तुम हमसे नाराज़ हो? किससे? हम सबसे। तुम लोग उस रात दावत पे भी नहीं आए और मम्मा कह रही थी कि तुम बात करने से अवॉइड कर रही हो। इंसान में शर्म बाकी हो तो दूसरों से बात करने का दिल नहीं चाहता। क्या शिकवाए मुझसे? ये जो पारसाई का निकाब तुमने ओढ़ रखा है, इसे ओढ़ कर ज़्यादा दिन तुम धोखा नहीं दे सकती हो। मेरी पारसाई मेरा और मेरे रब का मामला है। तुम्हें मैंने फोन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मम्मा तुम्हें मिस कर रही थी, उनसे आके मिल लो। दुआ करो कि मैं वहां ना हूं। अगर मैं वहां आ गई और अपनी जबान पर काबू ना रख सकी तो तुम्हारी जगह उस घर में बाकी नहीं रहेगी। मुझे इस घर में तुम नहीं लेके आई किन्जी, और ना ही मेरे लिए इस घर में जगह तंग करने का अख्तियार तुम्हारे पास है। चैलेंज ना करो मुझे। ऐसा ना हो कि मैं सबकी मौजूदगी में तुम्हारा पास तुम्हारे सामने ला खड़ा करूं और तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहो। बस कर दो किन्जी, मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसपे मुझे नदामत हो। ठीक कहा तुमने, जिसे नदामत होनी हो वो अपनों के साथ इतना भयानक मजाक नहीं करते। और जिस दिन तुम्हारा मकरूह चेहरा हारिस के सामने आया, उसका इंसानियत से एतबार उठ जाएगा। बस कर दो किन्जी, मम्मा के कहने पर मैंने तुमको फोन किया था और मेरा फर्ज यहाँ खत्म। आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे निमरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इतना अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। आओ बेटा बैठो, आज शाम। सरप्राइज तो इन्होंने मुझे दिया है, हम तो आउटिंग करके घर ही जा रहे थे, इन्होंने गाड़ियाँ मोड़ ली। थैंक यू सो मच बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं आंटी, इट्स ऑल राइट। इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आज। कैसी हो आयशा? बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी है? फैजी ठीक है। आयशा हारिस कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? उनका प्लान था दोस्तों के साथ, वो घर पे नहीं है अभी। फैजी बेटा बैठो, इसे अपना ही घर समझो। जाओ आयशा, जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। नहीं मामा, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, हम डिनर करके ही आ रहे हैं। कोई डिनर विनर नहीं, यही खाओगी खाना अब तुम। ऐसे तो मैं भी नहीं जाने दूंगी इन लोगों को, अभी आती हूँ। फैजी बेटा बैठो ना, नहीं घर है तुम्हारा बेटा। जी आ बैठो मेरे पास, आ एक मिनट, फोन आ रहा है। अरे किन्जी का फोन है, उससे भी कहती हूँ कि यहाँ आ जाए। जी बुलाई लें, इसी बहाने इनकी सुलह भी हो जाएगी। हेलो मामा, अभी आयशा से आपने कॉल कराई है मुझे। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो और फौरन यहाँ आ जाओ, फैजी और निमरा आए हुए हैं। वो क्यों आए हैं? अभी दो दिन पहले तो डिनर पे आए थे।
बुरी बात है किंजी। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मामा आपकी बेटी को मनाने मैं खुद गई थी वहां, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि छोटी छोटी बातों का तुम दोनों बहनें इतना बड़ा इशू क्यों बना लेती हो। आंटी बिल्कुल परेशान मत हो, मैं किसी दिन ले जाऊंगा निमरा को, इनकी सुलह करवा दूंगा। हाँ बेटा सब बड़ी बहन है, कुछ कह देती है तो उसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है ना। मैं उसकी सारी गलतियां भुला कर ही उसके घर गई थी। कम ऑन निमरा, छोड़ो इन बातों को। समझाओ फैजी से कि ज्यादा दिन तक बड़ी बहनों से नाराज नहीं रहते। आप दोनों हम ख्याल मिल चुके हैं ना, अब मुझे लगता है मेरी खैर नहीं है। मैं आयशा को देखकर आती हूँ, पता नहीं किन तकल्लुफात में बैठ गई है वो। अच्छा और बताओ आप कैसी हैं? मैं ठीक बिल्कुल। फ्रूट काटूं तुम्हारे लिए? नहीं मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। आयशा तुमने यूं ही इतनी तकलीफ कर दी, हम तो वैसे थोड़ी देर के लिए ही आए थे। अरे तो क्या अब आपका यहाँ आने का दिल नहीं चाहता? ऐसी कोई बात नहीं है, फैजी का अचानक मूड बन गया तो हम आ गए यहाँ। वैसे हम दोपहर से बाहर ही निकले हैं, पहले लंच किया फिर शॉपिंग की। तुम्हें पता है मैं जो भी फरमाइश करती हूँ फैजी उसे पूरा करते हैं। बात बताऊं, तुम दोनों को ऐसे खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे गुस्से के साथ खुश रहो। आयशा बस एक कसक है। वो क्या? मैं अगर तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम मुझे सच सच बताओगी ना? निमरा तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, बताओ क्या बात है? लेकिन आयशा जो मैं पूछने जा रही हूँ, हो सकता है फैजी ने तुम्हें मुझे बताने से मना किया हो। ऐसी क्या बात है? आयशा फैजी किससे मोहब्बत करते थे? यकीन जानो मुझे फैजी से कोई शिकवा नहीं है, वो तो इतने अजीम इंसान हैं कि अपनी मोहब्बत को ना भुलाकर भी मुझे इतनी खुशी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ऐसी कोई बात होती तो फैजी मुझे खुद बताता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। जो शख्स इतनी महारत से मुझे खुश रखने की और मेरे साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा, तो वो तुमसे भी तो कुछ छुपा सकता है ना। बहुत खुश नसीब है वो लड़की जिसे फैजी ने चाहा होगा, लेकिन उससे बढ़कर बदनसीब भी कोई नहीं आयशा, जिसने फैजी की मोहब्बत को कबूल नहीं किया। अरे तुम दोनों यहाँ बातों में लग गई हो और फैजी वहां अकेला बैठा हुआ है। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। इसे क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है बेटा, इसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने अभी। वो बहुत खुश है, कभी कभी खुशी भी आंखों को नम कर देती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। निमरा हेलो। तुमने तो काफी अहतमाम कर डाला भाई। आज की रात मेरे लिए बहुत अहम है, मैं हमेशा याद रखूंगी। फहीम तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। जैसे मरने वाले की आंखों में आखिरी वक्त हमेशा के लिए रुक जाता है ना, मैं भी वैसे ही इस वक्त को हमेशा के लिए अपनी आंखों में रोक लूंगी। अरे तुम बहुत अच्छी हो, इस तरह मायूसी की बातें ना किया करो। अगर मैं अच्छी होती तो आज यूं तन्हा ना होती। किसने कहा कि तुम वहां तन्हा होगी? वहां तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ होंगे, फहीम होगा और उसकी बेइंतहा मोहब्बत। कुछ लोगों का साथ ना मिले तो जमाने भर का साथ मिल जाने पर भी तन्हाई खत्म नहीं होती।
तुम अगर इस तरह की बातें करोगी मुझसे तो मैं फ्यूचर में तुमसे कोई रابطہ नहीं कर पाऊंगा। वो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे रابطہ नहीं रखोगे क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खुश हो मेरे जाने पर, फहीम से ज्यादा भी। मैं तुम यकीन जानो मैं दिल से चाहता था कि तुम लाइफ में सेटल हो जाओ और वाकई मुझे तुम्हारे जाने की बहुत खुशी है, लेकिन एक सिंसियर दोस्त की तरह। अरे मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मोहब्बत भी तो नहीं कर सके। मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं था, वरना शायद। आयशा कहती है कि रिस्क और मोहब्बत खुदा तकदीर में लिख देता। काश कि उसको ये भी मालूम होता कि कुछ लोगों का रिस्क अल्लाह की मखलूक छीन लेती है, जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत छीन ली। तुमसे किसी ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीनी है। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। ओह माय गॉड, ये मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी शादी का तोहफा है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं चलूंगा यार, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं कल आऊंगा तुम्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट। बाय हारिस। कॉफी पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बस दो मिनट में बना के लाई। नहीं आयला लिसन प्लीज, मैं बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मैं चलूंगा यार, मैं थका हुआ भी हूं ना, जाके रेस्ट करूंगा। नहीं नहीं आई, आज मेरी मर्जी चलेगी। अभी दो मिनट में बना कर ले। दो मिनट में ले आना। लेकिन हेलो। जी मामा, गए वो लोग? हाँ अभी अभी गए। अगर तुम आ जाती तो क्या हो जाता? मेरी नान में ही भलाई है। क्यों करती हो ऐसी बातें किंजी? एनीवेज आए क्यों थे वो लोग, पूछा नहीं आपने? पागल हो गई हो तुम? मेरे पास आओगी तो तुमसे पूछूंगी कि क्यों आई हो। मेरी बात और है मामा। क्यों इतनी नफरत करने लगी हो निमरा से बेटा? अभी कुछ दिन पहले तो आए थे डिनर के लिए, अब आ जाने की कोई वजह तो बताई होगी ना। अब तुम ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो किंजी। उनका अपना घर है, जब चाहे वो आए। वो निम्रा बता रही थी कि फैजी ने अचानक प्रोग्राम बना लिया आने का। निम्रा बेवकूफ है क्या? वो समझती क्यों नहीं है कि फैजी इस तरह अचानक प्लान्स क्यों बना रहा है, क्यों बार बार आना चाह रहा है अपने ससुराल वो। किंजी तुम ये क्यों चाह रही हो कि निम्रा और फैजी इस घर में ना आए? मामा वो निम्रा की खुशी के लिए नहीं लाता है उसे वहाँ, बल्कि अपने दिल के हाथों मजबूर है इसीलिए आता है। मैं कुछ समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं आपको समझाती हूँ फैजी। और अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? आंटी किंजी को पता नहीं क्यों लगता है कि फैजी ने निम्रा से आपकी दौलत की वजह से शादी की है। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो कुछ दिनों में इतने पैसे कमा सकता है जितनी हमारी सालों की इनकम नहीं है। आई नो, मैं भी किंजी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों ये मानती नहीं है। बेटा प्लीज समझाओ इसे, यूं ही बदजन हो रही है निम्रा और फैजी से। जी जी मैं समझा लूंगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं बताने दिया मुझे? तुम पागल हो गई हो? अपनी माँ का हार्ट फेल करवाना है? तुम उन्हें यह बताओगी कि फैजी और आयशा के दरमियान ताल्लुकात हैं और इसलिए उसने निम्रा से शादी की है? कुछ तो सोच समझ के बात किया करो। हाँ तो हम किसी को ना बताएं, इस बेहयाई का हिस्सा बने बैठे रहे बस। किंजी मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुम्हें यह कह रहा हूं कि जो जिसे बताना है सोच समझ के बताना होगा। ऐसी बातें सुन के लोग जज्बात में आकर कत्ल भी कर सकते हैं। ये लो।
कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ। 2 मिनट्स। रेडी। कॉफी इज रेडी। ऐसी कॉफी बनाई है कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे और सारी जिंदगी मिस भी करोगे। तुम जिद की बहुत पक्की हो। मगर तुम्हारे केस में तो मेरी जिद भी हार गई। इसीलिए खुदा ने तुम्हें मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी जरूर। ऐसी गलती भी ना करना। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन आया, उसे अच्छा लगे बुरा लगे। जिसे तुम्हारा जिक्र भी पसंद नहीं, उसका साथ मेरे लिए कांटों पर चलने के बराबर होगा। बी पॉजिटिव वाला, क्या हो गया तुम्हें? हारिस, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हुआ क्या है तुम्हें? And I think I'm not feeling well. शायद थक गया हूँ ना, बस मुझे चलना चाहिए। अरे क्या हुआ? सनी चक्कर। अरे अच्छा मैं हेल्प करा। नहीं, मैं उतार लूंगा। मुझे हारिस, आर यू ऑलराइट? हम मुझे नींद। हारिस, 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 thank you.
मामा क्या बाबा जाग रहे हैं? इस वक्त कौन जागता है? हर किसी में तुम्हारी तरह की बेचैन रूनी होती, क्यों पूछ रही हो उनका? वो हारिस अभी तक घर नहीं आए। बता के गया था कहाँ जा रहे? नहीं, बताया था कि दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है। तो फिर दोस्तों के साथ मूवी पे चला गया होगा। आप बाबा से कह के समी को फोन करवा देंगी? वो दरअसल हारिस का फोन ऑफ जा रहा है, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आयशा प्लीज सबको परेशान मत करो, अगर वो दोस्तों के साथ आज चला ही गया है मूवी पे तो उसको एंजॉय करने दो। तो बैड आयशा, कैसी हो? तुमने रात के इस पहर मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया? हारिस की खैरियत बताने के लिए कॉल किया। तुम्हारा राबता हुआ है हारिस से? तुमने भी कोशिश की होगी मगर शायद उसका फोन बंद जा रहा होगा, मेरे साथ ही है बेचारा, बहुत थक गया था, अभी सो रहा है। झूठ मत बोलो मुझसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम परेशान मत हो। मेरी बात कराओ। अगर उसे तुमसे बात करने की ख्वाहिश होती तो वो इस वक्त मेरे घर पे नहीं होता। शट अप। मैं तो समझती थी कि तुमने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी देख लो। Finally, it's happening now. Yeah. खुद देख लो। Goodbye. फाइनली हारिस को एहसास हो गया मेरी मोहब्बत का। मेरी हारिस से इसी वक्त बात करवाओ। वो अभी सो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं मान सकती कि हारिस इस वक्त तुम्हारे साथ है। वेट करो। हारिस तुमसे मोहब्बत नहीं करते, अगर वो तुमसे मोहब्बत करते तो खुदा उनको मेरे नसीब में नहीं लिखता।
अगर तुम्हारा यकीन इस बात पे है कि खुदा ने तुम्हें हारिस के नसीब में लिखा था, तो इस बात पे भी यकीन जरूर होगा कि खुदा नसीब बदलने में देर नहीं लगा था। जानती हो मेरे दोस्त क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो कहते हैं कि तुमने मुझ पर ऐसा ताबीज कर दिया है कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। हारिस, तुम ठीक हो ना? मैं क्या सो गया था यार? बहुत थकन महसूस कर रहे थे तुम, तुम्हारा सर भी चकरा रहा था और फिर पता नहीं बैठे बैठे सो गए तुम। अरे यार मैं इतनी देर के लिए सो गया, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही हारिस। आयशा बहुत परेशान हो रही होगी। तुम सुबह चले जाना, आयशा को फोन करके बता दो। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं चलूंगा। अच्छा हारिस। हाँ। हारिस मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हाँ बोलो। कुछ नहीं। अच्छा तुम जाओ, आयशा वाकई परेशान हो रही होगी। चलता हूँ। लेट हो गया, वो सारे दोस्त काफी दिनों के बाद मिले थे ना, तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, अंदाजा ही नहीं हुआ सुबह हो गई। ये जिंदगी में तो रात हो गई है। हाँ? कोई भी सुबह इस तारीकी को कभी खत्म नहीं कर सकती। आयशा मुझे अंदाजा है कि तुम बहुत नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए, मैंने सारी रात ही बाहर गुजार दिया यार। वो मेरा फोन भी ऑफ हो गया था ना, तो मैं तुम्हें कॉल करके बता। आयशा इतनी नाराजगी, जाकर सो जाए। और तुम? तो शायद अब कभी नींद नहीं आएगी। आयशा क्या हुआ है? क्या इस सवाल के भी जवाब की जरूरत है? अच्छा तुम जाके सो जाओ, मैं सुबह तफसील से बताऊंगा कि क्यों लेट हो गया। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं कुछ जानने की। अब तुम्हारे लहजे से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी आयशा मेरे सामने ना खड़ी हो? आज मेरे सामने भी तो मेरा हारिस नहीं खड़ा। Thank you.
हारिस आ गया था? जी, देर से आए थे। शुक्र है कि आ गया, मुझे तो डर था कि रात को वापस आएगा भी कि नहीं। कह रहे थे उनका फोन ऑफ हो गया था, इसलिए रابطہ नहीं कर पाए। तुम्हें याद है आयशा, मैंने तुम्हें समझाया था कि जब हारिस तुम्हारे साथ खुश नहीं होगा तो वो अपनी पनाह बाहर ढूंढेगा। प्लीज मामा, सुबह सुबह ये बातें ना करें तो बेहतर होगा। अगर तुम इन बातों से जान छुड़ाती रहोगी ना, तो हारिस अपनी रातें बाहर ही गुजारना शुरू कर देगा। अब मान भी जाओ ना कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, उसको आजाद फिजा में उड़ लेने दो। मैंने उनको कोई पर नहीं बांधे। मोहब्बत हर मर्द की मजबूरी नहीं होती आयशा, लेकिन औरत हर मर्द की जरूरत होती है। अगर मेरा साथ इस सोसाइटी में उनके लिए बाइस से शर्मिंदगी है, तो मैं खुद को नहीं बदल सकती। वो चाहे तो औरत की तरह अपनी मोहब्बत बदल सकते हैं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना, तो वो रात आयला के साथ नहीं गुजारती। आप जानती थी कि वो आयला की तरफ गए? आप कैसी माँ हैं? आप जानती थी कि आपका बेटा एक नामहरम औरत के साथ रात गुजार रहा है और आप सुकून से सोती रही? मर्द का दिल जब नामहरम को महरम समझ ले ना, तो उसके साथ रात तो क्या पूरी जिंदगी गुजार सकता है। रुको, ये कोट ले जाओ, उसका आयला का ड्राइवर दे गया था, हारिस नहीं छोड़ा है। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके जमी वाले मगर क्यों चाहतो के रास्ते। मुझे बात क्यों नहीं करती हो? शादी से पहले कई रातें मैं दोस्तों के साथ बाहर गुजार दिया करता था। शादी के बाद अगर एक रात बाहर गुजार ली तो कौन सी क्यामत आ गई है? अगर मेरी मोहब्बत ने आपको नहीं बदला और आप शादी से पहले वाले ही हारिस हैं, तो आप ये बात जान लें कि मेरी जिंदगी में क्यामत आ गई है। आयशा, तुम इतनी छोटी सी बात को एग्जैजरेट क्यों कर रही हो? खत्म क्यों नहीं करती बात को? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात नहीं है हारिस, मैं अपनी मोहब्बत की बेकदरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मोहब्बत की बेकदरी? तुम दूसरों को शुक्र करने की हिदायत करती हो ना, लेकिन बेसिकली तुम खुद एक नाशुक्री औरत हो। मेरी बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद तुम, जब एतबार खत्म हो जाए ना हारिस, तो मोहब्बत का महल रेत के घरौंदे की तरह जमी बोस हो जाता है। आप आयला की आंच जल्दी जल्दी में भूल आए थे। इतनी जरा सी बात का तुमने क्या क्या अंदाजा लगा लिया आयशा? शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। सोच की माफी हो सकती है, लेकिन अमल की माफी नहीं होती। आपने मुझसे झूठ बोला है हारिस,
और पता नहीं कब से बोलते आ रहे हैं। हालांकि बातों में नजर आने वाली मोहब्बत को हमेशा मैंने ये सोच के नजरअंदाज कर दिया कि मेरे होते हुए आप कभी किसी दूसरे का सोच ही नहीं सकते। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आपकी तस्कीन के लिए मेरी मोहब्बत अब काफी नहीं है। मैं तो महज एक बीवी हूं आपके लिए, मोहब्बत ढूंढने के लिए तो आपको बाहर मुंह मारना पड़ता है। आशा, जो समझ रहा है समझो। अगर मुझे दलाल से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है ना तो बस आज से मैंने मान लिया, नहीं रही मोहब्बत, न मुझे तुमसे और ना तुम्हें मुझसे। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अगर मोहब्बत से एतबार खत्म हो जाए ना तो मोहब्बत रेत के किसी घरौंदे की तरह जमीन बोस हो जाती है। आज हो गई है। सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना।